तो दोस्तों आ चुका तुम्हारा भाई लेकर के एक बार फिर से बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वीडियो एडिटिंग का ट्यूटोरियल लेकर के। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में जो एडिटिंग है थोड़ा सा साइड में रखते हैं, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर बात करने वाला हूं। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लोग को भी एक छोटा सा सेटअप बनाना चाहिए, जैसे कि मैं कल की वीडियो में आप लोग को दिखाया था मेरा सेटअप छोटा सा दोस्तों, तो आप लोगों ने बोला कि भाई सेटअप तो बहुत बढ़िया है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि जो मैं पहले वीडियो बनाता था ओपन में, वो फीलिंग एक बंद कमरे में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो दोस्तों हम अब गैस यही सजेस्ट करेंगे कि आप लोग कोई भी सेटअप मत बनाइए, क्योंकि दोस्तों जो फीलिंग ओपन में आती है, जो भी फीलिंग अंदर से निकलती है वो ओपन में निकलती है, वो फीलिंग एक सेटअप में बिल्कुल भी नहीं निकलती। दोस्तों मेरा जो है 2000 रुपये एकदम बर्बाद हो चुका है, और एक भी रुपया समझ लीजिए उसमें मेरा कोई भी मुझे, मैं सेटअप तो तैयार कर लिया लेकिन उसमें जो बोलने का जो फीलिंग है ना अंदर से वो निकलता ही नहीं है। मैं जितना भी कोशिश कर लूँ कि मैं आप लोग से बात करूँ, जितना भी मैं कोशिश कर लूँ कि आप लोग को अच्छे से समझा सकूँ, लेकिन दोस्तों जो फीलिंग है अंदर से बिल्कुल भी नहीं निकलता है। तो मेरे भाइयों मैं आप लोग से यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कोई भी सेटअप वेटअप के चक्कर में ना पड़ें, आपको जो भी जगह दिखे आप वहाँ पर बेस्ट एडिटिंग के साथ आप रिकॉर्ड करिए, आपकी वीडियो बहुत ही कमाल की और ऑसम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आप लोग सेटअप के चक्कर में ना पड़िएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरा जो एक कहने का तरीका था, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मैंने आप लोग से शेयर कर दिया। अब आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग मुझसे यूज़ करें कि ना करें, ठीक है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी एडिटिंग होने वाली है वो गाइस एक एटीट्यूड स्टेटस होने वाली है। जैसा कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई कोई बॉय के ऊपर एटीट्यूड स्टेटस का ट्यूटोरियल लाओ, तो दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई लेकर के आ चुका है बहुत ही कमाल का इंटरेस्टिंग वॉइस एटीट्यूड के ऊपर स्टेटस का ट्यूटोरियल। दोस्तों तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो का जो ट्यूटोरियल है वो आपको आगे बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम लोग प्रीव्यू को देख लेते हैं, और प्रीव्यू देखने के बाद आप लोग अपने भाई को एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को कैसा लगा, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं उस कमेंट को रीड करता हूँ और उस पर मैं सोचता हूँ जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, ठीक है। तो आप लोग हमें एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम लोग प्रीव्यू को देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी आप जो स्टेटस देखे दोस्तों एक एटीट्यूड स्टेटस है, जिसे गाइस अब अपना फोटो या किसी और का फोटो लगा करके इस तरह का स्टेटस आज के इस वीडियो में क्रिएट करना सिखाने वाला हूं, जो दोस्तों बहुत ही कमाल का और यूनिक इफेक्ट के साथ क्रिएट किया गया है। दोस्तों तो अगर आप भी इस तरह का स्टेटस क्रिएट करने में इंटरेस्टेड हैं अपना फोटो लगा करके, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से हम सीख लेते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पर। ओके, तो दोस्तों अभी आप जो स्टेटस देखे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम क्रिएट करेंगे एटीट्यूड स्टेटस, जो दोस्तों आप अपना फोटो फिर किसी और का फोटो लगा करके इस तरह का स्टेटस क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों इस प्रकार का स्टेटस क्रिएट करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जिसका नाम है अलाइट मोशन। ये आपको प्ले स्टोर में जाता है, अगर आपको इसका मोड ऑप्शन चाहिए तो वो गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल पर फिर वहां चेक करके आप ले सकते हैं। एंड दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फोटो वगैरह जितने भी इसमें यूज होंगे सब आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें जो भी स्टेटस क्रिएट करता हूं वो मैं यहां पर सेंड करता हूं, तो यहां पर जाकर के आप आसानी से ले सकते हैं। एंड दोस्तों आपको कुछ मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी तो आपको सब मैं बताऊंगा, तो वीडियो में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपको अलाइट मोशन को ओपन कर लेना है। अब अपना अलाइट मोशन ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ प्रकार का इंटरफेस तो हो जाएगा। गाइस प्लस के बगल में प्रोजेक्ट पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर आपको सेग इफेक्ट और सॉन्ग बिटमार्क नाम का दो प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको सॉन्ग बिटमार्क ओपन कर लेना है गाइस स्टेप बाय स्टेप, और बहुत इजी स्टेप में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए। सो गाइस सबसे पहले हम प्लस पर क्लिक कर लेंगे और मीडिया पर जाएंगे, और यहाँ पर जो नाम दिख रहा है नाम पर क्लिक करके आप जो है जहाँ भी आप अपना फोटो रखे रहेंगे वहाँ से आपको अपना फोटो चूज कर लेना है। जैसे गाइस मेरा ये फोटो है तो मैं इस फोटो पर क्लिक करता हूँ और थ्रेड पर क्लिक करके इस प्रकार से फुल स्क्रीन कर देता हूँ, और मोबाइल टास्क जा करके इसको जिस प्रकार से मैं सेट कर लूँगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट बीट पर आना है, जो फोटो आपका दिख रहा है इस पर क्लिक करके इसको इस तरह से आपको मिला देना है। सो गाइस कॉल करके आपको नीचे आना है इस तरह से, ठीक है। और दोस्तों बीच में आपका जो ये ग्रुप दिख रहा है आपको इसमें भी आपको फोटो अपना ऐड करना होगा, अभी इस पर इफेक्ट भी लगाना है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले मैं इफेक्ट ही लगा के दिखा देता हूँ, तो बैक करके आपको अपने सैग इफेक्ट में इस प्रकार से आ जाना है। यहाँ पर कैसे आपको कुछ इस प्रकार का सैग इफेक्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, कुछ प्रोजेक्ट भी दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला आपको दिख रहा है इफेक्ट इस पर क्लिक करना है, और इफेक्ट पर क्लिक करके थर्ड पर क्लिक कर कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। और कैसे यहाँ पर आपको सॉन्ग बीट पार्क में इस प्रकार से आ जाना है, और जो आपका नीचे जो बैक वाला फोटो है इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार से, और इस पर क्लिक करके आपको इस तरह से आपको कर देना है।
कुछ प्रकार से फ्लैश इफेक्ट के साथ आपका आएगा। अगर आप इस जो बॉर्डर दिख रहा है आपको बीच में अगर आपको अपना फोटो ऐड करना है तो इस ग्रुप पे क्लिक करना और एडिट ग्रुप पे क्लिक करना और जो आपका ये फोटो दिख रहा है इस फोटो पे आपको क्लिक करके रखना है और जो आपका दिख रहा है करंट फील इस पर क्लिक करके आपको याद रखना है गाइस जो आपका फोटो हो वो 4.5 साइज का रेशियो हो, ठीक है। तो कैसे आपको क्या करना है इस पर जो स्टाइल कम दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है और जो भी आप फोटो यहाँ पर ऐड करना चाहे आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस फोटो को लेता हूँ और यहाँ पर इस प्रकार से क्लिक करके इसको ऐड करता हूँ और इस तरह से आपको बैक करके मूव करके आप चाहे तो इसका आप इस प्रकार से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। जूम करके आप इस पर अपना फोटो भी वगैरह सब एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का हो जाएगा जो कि बहुत ही कमाल का लगेगा, ठीक है। तो गाइस इतना आपका हो जाने के बाद आपको एरो पे क्लिक करना है और गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले प्लस पे क्लिक करना है और गाइस मीडिया पे जाना है, ठीक है। और दोस्तों मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जितने बीट दिख रहे हैं सभी पर बीट के हिसाब से प्रकार से क्लिक करके फिर उस पर क्लिक करके फुल स्क्रीन कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जितने भी यहाँ से लेकर के पूरा लास्ट तक आपको जितने भी बीट दिख रहे हैं सभी पर आपको फोटो को अटैच कर देना है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि इस पे इसको कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। ओके तो दोस्तों यहाँ पर हम अपना फोटो अटैच कर चुके हैं। अब इसको कैसे क्रिएट करना है बैक करके आपको आ जाना अपने सेक फेड में। यहाँ पर हमने कुछ प्रोजेक्ट क्रिएट करके दिया है तो आपको सबसे पहले इसको क्लिक कर देना है इस प्रकार से और कॉपी लेयर कर लेना है। दोस्तों कॉपी लेयर 3 लेयर कर देना है आपको, फिर बैक करके आपको आ जाना है अपने 100 बिट मार्क में। जैसे कि आप 100 बिट मार्क में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट बिट आपका दिख रहा है आपको यहीं पर ला करके इसको इस तरह से पेस्ट कर देना है। और गाइस मैं आपको गाइस बता दूँ कि ये जो आपका लेयर जो लेयर क्रिएट हुआ, ठीक है, इस आपको इस पर क्लिक करना है और इफेक्ट पर जाकर जो आपका दिख रहा है 3 इस पर क्लिक करें, कॉपी इफेक्ट कर लेना और दोस्तों इस प्रकार से इसको डिलीट कर देना है। डिलीट नहीं करेंगे तो जो ग्रुप है इसका वो बन नहीं पाएगा। तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं और जो फोटो है आपका इस पर इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और जो आपका ऊपर दिख रहा है ये दोनों मर्ज का इस पर आपको इस प्रकार से मर्ज कर देना है और जो आपका ये ग्रुप एक बन जाएगा। तो इस पर क्लिक करके जो आपका ये इफेक्ट दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना होगा तो आपका कुछ प्रकार का क्रिएट हो जाएगा। और दोस्तों बॉर्डर पर क्लिक करके ऐड बॉर्डर पर क्लिक करके इसको इस तरह से आपको बॉर्डर बढ़ा लेना है। सेम प्रोसेस गाइस इस पर भी है। तो आपका जो सेकेंड वाला है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपको ऊपर दिख रहा है आपको ऊपर इस तरह से पकड़ के रखना है, इस तरह से सेलेक्ट कर देना है और जो आपका ये वाला फोटो है आपको इस पर भी सेलेक्ट कर लेना है और ऊपर आपका जो ये मर्ज दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करके इसको मर्ज कर देना है कुछ इस प्रकार से। और दोस्तों जो सेकेंड आपका जो ग्रुप बन जाएगा इस ग्रुप पर क्लिक करके इसको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। और दोस्तों अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो भी आप इसका कलर रखना चाहें आप यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको एक ग्लो का दिख जाएगा तो ग्लो पे क्लिक करके आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये आपका हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी आपको वही करना है। तो ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इस पर क्लिक कर देना है और जो आपका ये फोटो रहेगा इस फोटो पे क्लिक करके इस प्रकार से इसको इस तरह से आपको मर्ज कर देना है, ठीक है। दोस्तों आप देखो मैं यहाँ पर जो इसमें इफेक्ट था उसके साथ किया इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें आपको जाना है और यहाँ पर जो आपका ये क्लिक जो क्रिएट हुआ रहेगा ग्रुप इस पर क्लिक करके इफेक्ट को डिलीट कर देना है, ठीक है। और दोस्तों फिर से आपको क्या करना पड़ेगा इस पर क्लिक कर देना है और जो आपका ये फोटो है इसको इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको क्या करना है इस ग्रुप पर आपको क्लिक करना है और जो आपका दिख रहा है बॉर्डर पर क्लिक करके और ऐड बॉर्डर पर क्लिक करके इसका जो वाइड बॉर्डर इस तरह से शो कर देना है। और दोस्तों इफेक्ट पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से आपको पेस्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ प्रकार का आपका क्रिएट हो जाएगा बहुत ही कम माल का और औसम तरीके से, ठीक है। इतना हो जाने के बाद कैसे आपको एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको कुछ इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। तो सही इफेक्ट में आपको आना है और यहाँ पर आपको दिख जाएगा इससे दूसरा वाला इफेक्ट दिख रहा है इस पर क्लिक करना और इफेक्ट पर क्लिक करके 3rd पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। और दोस्तों 100 बिट मार्क में इस प्रकार से आ जाना है। दोस्तों 100 बिट मार्क में आने के बाद आपको इस कॉल करके आगे जाना है, ठीक है। और आगे जाने के बाद गाइस जो ये वाला इफेक्ट आप क्रिएट कर देंगे तो इसके आगे आपका जो फोटो अटैच होगा यानी कि 5/18 पर, तो इसके ऊपर जितने आगे फोटो है सभी पर हमारा यही वाला इफेक्ट लग जाएगा। तो हम फोटो पे क्लिक करेंगे इफेक्ट पे क्लिक करके, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपका जितने भी फोटो आपका दिख रहा है सभी पर आपको आपका यही वाला इफेक्ट लग जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपका जो भी लास्ट में फोटो है मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से पेस्ट कर देता हूँ। ये जो इफेक्ट हमारा लग चुका है। सो गाइस हमारा स्टेटस भी कंप्लीट हो चुका है। अब गाइस इसको क्या करना है एक्सपोर्ट करना है। तो सेटिंग के बगल में आपको बॉक्स पर दिख रहा है, बॉक्स पर क्लिक करके एक्सपोर्ट करके इसको आप गैलरी में सेव कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।